हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए कॉमर्स पेपर टू, जिसका कोड 08 है, उसका कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज करवाया जाएगा। यूनिट वन से लेकर 10 तक आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हमेशा यूजीसी टच करता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे कवरअप करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना भी आपका रिटर्न मटेरियल है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब चैनल पे आपको डेली बेसिस पे क्लासेस करवाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल प्लस टेलीग्राम चैनल दोनों पे अवेलेबल हैं। सो करते हैं आज का सेशन बिगिन। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब सब बढ़िया हो गए। जैसे कि आपको पता है, हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट की हुई है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो, अब आते हैं फंक्शंस क्या है लोअर मैनेजमेंट के। देखो, आपको पता है मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, लोअर, मिडल एंड अपर, जिसे आप लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल भी कह देते हो, मिडल लेवल का नेम सेम रहता है, और जो अपर लेवल होता है हम उसे टॉप मैनेजमेंट भी कह देते हैं। उसके ना फंक्शंस पेपर में पूछे गए थे। देखो, बड़े सिंपल है। पहला तो फंक्शन ये है, जो वर्कर्स है, यानी जो आप, मतलब वो बंदे जो काम कर रहे हैं रियलिटी में, जो चीज़ें बना रहे हैं, आपने उनमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ये भी एक लोअर मैनेजमेंट का फंक्शन है। जितने भी आपके लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने रूल्स बनाने हैं, उनको इन्फोर्स करना है और मेंटेन करना है डिसिप्लिन वर्क प्लेस पे, ठीक है। सेकंड आता है ट्रेनिंग देना वर्कर्स को। अब ये भी लोअर मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। देखो, ये जो आपके लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं ना, ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, क्योंकि देखो, वर्कर तो बिल्कुल नया बंदा है, जब भी न्यू बंदे को हायर किया जाएगा, उसको क्या पता ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे हो रहा है। सो उस चीज़ को सही करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है वर्कर्स को, ताकि वो स्किल्स को अक्वायर कर पाए, उनको मेंटेन कर पाए और अच्छे से काम कर पाए और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं आप इनका, जो आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट्स हैं, इनको ना ह्यूमन रिलेशंस बनाए रखने पड़ते हैं। ये भी इनका एक फंक्शन है। देखो, इनकी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी बनती है कि जो इनका रिलेशनशिप है ना, या जो कह लो आपका वर्कर्स का रिलेशनशिप है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छा होना चाहिए और उस रिलेशनशिप को ये बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई वर्कर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, उसका सॉल्यूशन भी ये ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ना एक क्वेश्चन था, सुनो ध्यान से, ह्यूमन रिलेशंस का अगर जिक्र हुआ है तो उसका एक रिगार्डिंग क्वेश्चन था, द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच रिजेक्टेड द रेबल हाइपोथेसिस बाय आर्ग्यूइंग दैट वर्कर्स डू नॉट वर्क सोली फॉर मनी। देखो, जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच थी, एक ना रेबल हाइपोथेसिस हुए थे, उस ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ने उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया, और उस रिजेक्शन का कारण पता क्या दिया, कि वर्कर केवल पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। देखो, जो रेबल हाइपोथेसिस है, उसकी यही बिलीव थी कि जो वर्कर है, उनका जो मेन मोटिवेटर है, वो जिस चीज़ के लिए काम करते हैं, वो होते हैं मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, और जो उनकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी, आप उसको बढ़ा सकते हो अगर आप उनको हायर वेजेस देते हो, या और इसके अलावा और कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हो, तो वो ट्राई करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे। ये रेबल हाइपोथेसिस का मानना था। बट जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच थी, अब इसे हॉथोन स्टडीज ने दिया था, ये इम्फेसाइज करती थी कि जो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वर्क प्लेस पे, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है परफॉर्मेंस पे, ना कि केवल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का। यानी जो आपके साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स हैं ना, वो ज़्यादा पुश करेंगे वर्कर्स को टूवर्ड्स कि वो हायर लेवल्स ऑफ अचीवमेंट पे पहुंच सके। सो इसने ये आर्ग्यूमेंट दी थी कि जो वर्कर हैं वो मोटिवेट होते हैं अलग अलग फैक्टर्स के। अब ये फैक्टर्स पैसे से भी आ गए हैं, इसमें सोशल इंट्रैक्शंस आ जाती हैं, उनका अपना रेपुटेशन कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आप रिकॉग्निशन कैसे दे रहे हो, यानी उनका स्टेटस लेवल क्या ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से, यानी वो फील कर रहे हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है या नहीं है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट था। अब आगे आते हैं स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग मार्केट कॉम्पिटिटिव पे प्लानिंग सीक्वेंस। उन्होंने आपको 5 स्टेप्स से एग्जैक्ट 5 दे दिए थे, बट जंबल्ड वे में दिए थे। अब ये जो स्टेप्स थे, ये थे आपने एक मार्केट कॉम्पिटिटिव पे प्लान को क्रिएट करना है। मतलब आपने एक ऐसा पे प्लान, कॉम्पनसेशन प्लान क्रिएट करना है जो मार्केट के कॉम्पिटिटर्स को मद्देनजर रख के, उसके स्टेप्स उन्होंने आपको दे दिए, तो कहते इसको सीक्वेंस में अरेंज करके बताओ। देखो, सबसे पहले तो आपको बेंचमार्क जॉब्स को चुनना पड़ेगा, और जो
कंपेंसेबल फैक्टर्स हैं उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो बेंचमार्क जॉब्स वो रिप्रेजेंटेटिव पोजीशंस हैं जिनको यूज़ किया जाता है एज अ रेफरेंस, ताकि आप डिटरमाइन कर पाओ कि आपकी जॉब का वर्थ क्या है उस पोजीशन के रेफरेंस में। यानी एक जिसे आप सिंपल वे में एक स्टैंडर्ड कह देते हो ना, वो एक बेंचमार्क जॉब होती है, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन है, उसके साथ कंपैरिजन करके वर्थ डिटरमाइन किया जाता है दूसरी जॉब्स का। इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन पहले तो बेंचमार्क जॉब्स को आइडेंटिफाई करेगी, फिर जो फैक्टर्स को कंसीडर करके उसके कंपैरिजन में कंपेंसेशन देनी है उनको डिसाइड ऑन किया जाएगा। ये वो की क्राइटेरिया जो एक जॉब का वर्थ आपको बताते हैं, मतलब आपको इन फैक्टर्स को स्टडी करके ये पता चल जाता है ये जॉब की वैल्यू कितनी है, और इसके अकॉर्डिंग ही पे लेवल्स डिटरमाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन ईच कंपेंसेबल फैक्टर एंड डिटरमाइंस इन डिग्री इन ईच जॉब। यानी देखो जो आपने अब कंपेंसेबल फैक्टर्स आपने डिफाइन किए थे, आप उसको और डिटेल में डिफाइन करोगे, उनको असाइन करोगे एक डिग्री और लेवल हर एक जॉब में। सो जो ये डिग्री है ना, ये आपको बताएगी कि वो जॉब कितनी कैसी और कितनी हद तक करेक्टरिस्टिक पोजेस कर रही है जो आपके कंपेंसेशन जो कंपेंसेबल फैक्टर्स हैं उनके रिलेशन में। फिर आप कंपेयर करोगे और एडजस्ट करोगे जो करंट और मार्केट वेज रेट्स हैं। यानी इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन ट्रैकिंग करती हैं पूरे डिटेल में, वो कंपेयर करती वेज रेट्स को जॉब्स के। अब ये रेट्स जो जॉब्स के वो दे रहे हैं, ये मार्केट रेट के साथ इनका कंपैरिजन किया जाता है जो सिमिलर पोजीशन पे मिल रही हैं मार्केट में। अगर तो डिस्क्रिपेंसीज यानी उनमें कुछ फ्लक्चुएशंस आएंगी तो एडजस्टमेंट्स की जाएंगी, ताजो कॉम्पिटिटिवनेस को इंश्योर किया जा सके और आप एक्सटर्नल लेबर मार्केट के साथ अलाइन कर पाओ। फिर आप अपना पे ग्रेड को डेवलप करोगे। देखो पे ग्रेड्स प्री डिटरमाइंड पे रेंजेस होती हैं और स्ट्रक्चर, यानी इन्हें ये ऑलरेडी डिफाइंड रेंज है। यानी आप जो वर्कर रखोगे ना, आप इस रेंज में ही रखोगे। अब ये जो रेंजेस होती हैं ना, जब ये डिटरमाइन की जाती है, इनको पे ग्रेड कहा जाता है। अब ये ग्रुप कर देती हैं जॉब्स को उनकी रिलेटिव वैल्यू या वर्थ जितना ऑर्गेनाइजेशन को उनके मिल रहा है। यानी हर एक जॉब का पे ग्रेड अलग होगा, उसका रेंज अलग होगी। यानी वो पे ग्रेड किस तरीके से डिटरमाइन होगा, जितनी उस पोजीशन की वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको मद्देनजर रखते हुए। सो इसमें आपने अब ऑर्गेनाइजेशन पे ग्रेड्स तो एस्टैब्लिश कर देगी, ये एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क दे देते हैं कि जिसके बेसिस पे आप अच्छे से कंपनसेशन लेवल्स को डिटरमाइन कर सकते हो। फिर आप रेट चेंजेस करोगे। देखो एक बार अगर पे ग्रेड्स इस्टैब्लिश हो गए, यानी आपने एक बार पे ग्रेड्स को इस्टैब्लिश कर दिया, तो ऑर्गेनाइजेशन फिर रेट चेंजेस को डिटरमाइन कर सकती है। और वो ये देख सकते हैं अगर इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हैं और भी कोई फैक्टर्स को अगर आप इंक्रीमेंट वो देना चाहें तो वो हर ग्रेड में दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आप मिनिमम मिड पॉइंट और मैक्सिमम पे लेवल्स हर एक ग्रेड के लिए डिटरमाइन कर देते हो। यानी एक होता है एंट्री लेवल, फिर आप ये बता दोगे भाई कितना कितना इंक्रीमेंट देगा और मैक्सिमम लेवल कितने तक जाएगा, ये सब कुछ डिटरमाइन हो जाता है। फिर इससे आपकी सैलरी टाइम टू टाइम विद इन उस रेंज में बढ़ती रहती है, ठीक है। एक ना क्वेश्चन था, ध्यान से सुनो, थॉमस ए हैरिस ओकेनेस थ्योरी फ्रॉम हिज बुक आई एम ओके यू आर ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखो। एक ओकेनेस थ्योरी थी जो आई एम ओके यू आर ओके बुक से थॉमस ए हैरिस की थी। ये एक्सप्लोर करती थी सारे डिफरेंट स्टेट साइकोलॉजिकल वेलबींग की और इंटरेक्शन की जो इंडिविजुअल्स के बीच में हो रही हैं। सो ये स्टेट्स रिप्रेजेंट करते कि कॉम्बिनेशन, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन था, आई एम ओके यू आर ओके और यू आर नॉट ओके। यानी इन चीज़ों को, मतलब अगर मैं ठीक हूँ आप ठीक नहीं हो, अगर आप ठीक हो मैं ठीक नहीं हूँ, या हम दोनों ठीक हैं या हम दोनों गलत हैं, ये कॉम्बिनेशन बनाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आता है आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके विड्रॉल। यानी जो ये स्टेट है ये कहते हैं कि दोनों इंडिविजुअल्स इनएडिक्वेट हैं, यानी वो अपने आप से अनसेटिस्फाइड है, यानी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही अपने आप से और वो एक दूसरे को सिमिलर मान रहे हैं, ठीक है। यानी इससे क्या होगा, इससे विड्रॉल होगा फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस और एक ना डिसकनेक्शन सा हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से खुश ही नहीं है। फिर आती है आई एम ओके यू आर नॉट ओके, ये टास्क ऑब्सेसिवनेस है। यानी इस स्टेट में एक बंदा अपने आप को कैपेबल और एडिक्वेट समझता है, यानी उसके मन में यह है कि मैं तो पूरा भाई ठीक हूँ, कैपेबल हूँ, एडिक्वेट हूँ, वाइल परसेंजर और दो दूसरा उसकी नज़र में बंदा है वो इन्फीरियोरिटी वाला है, यानी वो इन्फीरियर है उसके कंपैरिजन में। सो अगर किसी बंदे का दिमाग इस तरीके से होगा ना, इसके रिजल्ट में यही होगा कि वो टास्क पे एक्सेसिवली फोकस कर रहा है, अचीवमेंट्स पे फोकस कर रहा है, ऑफन उसे वैलिडेशन चाहिए, कंट्रोल चाहिए कि अगर उसने कुछ को अचीव करना। फिर आता है आई एम ओके यू आर ओके, ये कन्फ्रंटिंग नेचर है।
ध्यान से समझो, ये स्टेज ये बताती है कि एक हेल्दी पर्सपेक्टिव है जहाँ पे दोनों इंडिविजुअल्स का पॉजिटिव सेल्फ इमेज है, वो दोनों अपने आप को ठीक अच्छा मान रहे हैं, उनकी एक दूसरे के लेके ना वो जो नज़रिया है वो भी पॉजिटिव है। सो ये मोर लाइकली वो अप्रोच है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस को डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है ओपन कम्युनिकेशन के साथ और विलिंगनेस टू कोलैबोरेट, यानी अगर कोई मतभेद हो जाता है वो अपने आप ही उसको सुलझा लेंगे डायरेक्टली बात करके। लास्ट आते हैं, आई एम नॉट ओके यू आर ओके डिपेंडेंट। इस स्टेट में जो एक बंदा है वो परसीव कर रहा है अपने आप को कि वो इन्फीरियर है, उसमें कोई ना खामी है, बट जो दूसरा बंदा है वो कैपेबल है। सो ये वो क्या करेगा, वो हैविली रिलाई करेगा कि उसको दूसरे बंदे के जो उसके नज़रिए में काबिल है उसकी सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, उसकी वैलिडेशन चाहिए, तभी वो फैसले ले पाएगा। इससे ना एक सेंस ऑफ डिपेंडेंसी बन जाती है, सो दैट इज अ डिपेंडेंट नेचर। ठीक है, अब एक और मैचिंग का क्वेश्चन आया था। देखो एग्जॉशन क्या मतलब, बहुत सिंपल है, कई बार ना वो सिंपल चीज़ें भी आपसे पूछ लेते हैं। देखो एग्जॉशन होती है कि आपके पास अब कोई एनर्जी नहीं बची, आप अब काम नहीं कर सकते, अक चुके हो। ठीक है, सिनिज्म होता है कि आपका कस्टमर्स में कोई इंटरेस्ट चल गया है, इन एफी मतलब आप अब एबल ही नहीं हो, आपके पास इतनी काबिलियत ही नहीं कि आप इस काम को कर पाओगे। अब आगे आती हैं स्टेजेस ऑफ बर्नआउट। देखो बर्नआउट हो गया मतलब आप एग्जॉस्ट हो गए, उसमें क्या स्टेज है। सबसे देखो पहली जाती है फैटिग ड्यू टू एक्सेसिव वर्क। देखो ये बर्नआउट की पहली स्टेज है जिसमें आप पूरा एग्जॉस्टेड फील करते हो, आपको इतनी थकावट हो जाती है। ये थकावट क्यों होती है, क्योंकि आपको काम बहुत ज़्यादा दे दिया, आपको स्ट्रेस का लेवल बहुत लंबे टाइम के लिए आपको फेस करना पड़ गया। सेकेंड डिसलाइक फॉर वर्क। देखो जैसे जैसे बर्नआउट आगे बढ़ता जाएगा, इंडिविजुअल्स नेगेटिव फीलिंग्स बना लेते हैं काम की तरफ, वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं अपने काम को लेकर, उनको ऐसे लगता है कि भाई कोई मोटिवेशन नहीं इसमें करने के, वो अपने आप को उससे विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट आता है फेलियर टू अचीव टारगेट्स। लास्ट चीज़ अगर हम बर्नआउट की बताएं तो जो इंडिविजुअल्स हैं ना उनको ऐसे फीलिंग आने लगती होती है भाई वो फेल नहीं आ रहा है, वो चीज़ें अचीव कर ही नहीं पाएंगे, यानी वो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम होनी स्टार्ट हो जाती है, वो स्ट्रगल करते हैं कि उनके टाइम पे टारगेट पूरे हो जाएं, और उनको ना बस ना सैडनेस ही रहती है, अपने आप से शिकवा रहता ही रहता है। सो ये ना बर्नआउट की स्टेजेस उन्होंने आपको पूछी थी, जो पेपर उन्होंने 7-8 पॉइंट दे दिए थे, वो कहते हैं इनमें से चूज करके बताओ। देखो बर्नआउट के ना मैं आपको कितने क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन बहुत बार बर्नआउट से पूछे जाते हैं। अब कारण क्या है बर्नआउट के, दो कारण है। नेगेटिव सोशल बिहेवियर, देखो बर्नआउट से जो बर्नआउट जब होगा, जो भी कारण हमने कर लिए उससे ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। अब ये दो चीजें दी फॉलोइंग आर कॉस्ट बाय बर्नआउट, बर्नआउट होने से ये दो चीजें पक्का होंगी। एक तो आपका सोशल बिहेवियर नेगेटिव हो जाएगा, यानी आप इरिटेट हो जाओगे, गुस्सा आपका पूरे साथ में आसमान पे होगा, हर चीज़ को लेके एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा दूसरों को लेके, इससे आपका जो सोशल बिहेवियर है वो नेगेटिव हो जाएगा। फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन, बर्नआउट से फिजिकल सिम्टम्स शो होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको थकावट आपके मुंह पे दिखेगी, सर दर्द होगा आपका, आपको नींद नहीं आएगी। सो इससे क्या होगा, मेंटल स्ट्रेन, दिमाग पे स्ट्रेस पड़ेगा, आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाओगे और आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सिनिज्म, एक सिनिज्म का क्या था, आपको कस्टमर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। देखो जो सिनिज्म है ना ये एक बर्नआउट की स्टेज है जहाँ पे पर्सन विड्रॉ कर लेता अपने आप को दूसरों से, और उसे किसी भी तरफ ना किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो सिनिज्म से दो बारी क्वेश्चन आ गया, मैंने दोनों आपको करा दिए, यानी ये एक कॉमन सिम्टम है बर्नआउट का जहाँ पे इंडिविजुअल ना डिटैच हो जाते हैं, वो अपने आप को ना कहते हैं भाई बस छोड़ दिया मैंने तुझे, वो अपने आप को पीछे हटा लेते हैं, वो ना लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाते हैं, मुझे तुझमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, यानी उसको कोई कंसर्न ही नहीं है अगले बंदे को लेकर। अब आगे आता है, एक क्वेश्चन था द रिसोर्स इम्बेसल मॉडल्स ऑफ बर्नआउट। देखो जो रिसोर्स इम्बेलेंस मॉडल्स हैं बर्नआउट के, उसमें सबसे पहले आता है जॉब डिमांड्स रिसोर्स मॉडल। जो ये मॉडल है ये फोकस करता है कि इम्बेलेंस हो जाता है जॉब की डिमांड्स में और जॉब के रिसोर्सेज में, यानी आपकी जो जॉब डिमांड कर रही है आपसे और जो रिसोर्सेज जॉब के अवेलेबल है वो मैच नहीं खा रहे, उनमें इम्बेलेंस हो गया। सो ये सर सजेस्ट करती है कि बर्नआउट हो गया, जॉब डिमांड्स अब ज़्यादा हो गई हैं आपके अवेलेबल रिसोर्सेज से। सो इससे एक तो आपको स्ट्रेस होगा, एग्जॉशन होगी, आप टूट जाओगे। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मॉडल, अब ये जो सेकंड मॉडल है ये एम्फसाइज करता है लॉस है, लैक है रिसोर्सेज का एज अ की फैक्टर इन बर्नआउट। जितना आपको इन रिटर्न रिसोर्सेज मिलने चाहिए थे नहीं मिल रहे, कम हो गए रिसोर्सेज जॉब पे।
इससे बर्नआउट होगा। ये सजेस्ट करता है कि इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस करेंगे बर्नआउट, वो रिसोर्स डिप्लीशन को फेस करेंगे, उनको लगेगा कि भाई अब नए रिसोर्सेज चाहिए अगर इन डिमांड्स को, जॉब की डिमांड्स को पूरा करना है। लास्ट आता है एरियाज ऑफ वर्क लाइफ मॉडल। ये मॉडल एग्जामिन करता है कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है डिफरेंट एरियाज का, जो अब ये जो एरियाज है ना ये वर्क लाइफ के हैं, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी जो आपकी वर्क लाइफ चल रही है, जो आप काम कर रहे हो जॉब पे, उन पे क्या इम्पैक्ट है, क्या वर्कलोड आपको फेस करना पड़ रहा है, कितना कंट्रोल है, रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, कम्युनिटी, फेयरनेस और वैल्यूज, ये सारी चीज़ें बर्नआउट पे इम्पैक्ट डालती हैं। सो ये जस्ट सजेस्ट करता है कि इम्बैलेंसेस अगर इन एरियाज में आएंगे तो बर्नआउट होगा ही होगा। ठीक है, अब आगे आती है ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आपने नई इम्प्लॉयज को एंटरप्राइज में इंट्रोड्यूस करना है। अगर हम एक लाइन सुनो, हाउ एवर फिलिंग ऑफ वेकेंट पोजिशन इज नॉट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर सोशलाइजेशन ऑफ न्यू मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन जरूरी है, नो डाउट, बट अगर आपने वेकेंट पोजिशन को फिल करना है तो उसके लिए आपको स्पेशली ये डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें आप रिक्रूट करते हो, सिलेक्ट करते हो जो कैंडिडेट्स आपको सही लगते हैं वेकेंट पोजिशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सो ये भी एक क्वेश्चन था, छोटा था, बड़ा ईजी क्वेश्चन था। अब देखो, अलाइंड विद द सोशलाइजेशन ऑफ न्यू मैनेजर, कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन का अगर जिक्र हुआ है तो जो आप न्यू मैनेजर्स को हायर कर रहे हो वेकेंट पोजीशन में, उसके लिए कुछ अलाइनमेंट्स करनी पड़ेंगी। पहला, एक्विजन ऑफ वर्क स्किल्स एंड एबिलिटी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप नए मैनेजर्स को जो नेसेसरी ट्रेनिंग का टाइम पे दे रहे हो, उनको डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, ताकि वो जो जॉब्स के लिए उनको स्किल्स रिक्वायर्ड वो उनको मिल जाए, वो काबल हो जाए इतने कि वो जॉब को अच्छे से कर पाए ऑर्गेनाइजेशन में, यानी वो अपनी जगह से सेटिस्फाई हो जाए। सेकेंड, अडॉप्शन ऑफ अप्रोप्रिएट रोल बिहेवियर, इसमें आप गाइड करते हो नए मैनेजर को कि वो समझ पाए और जो एक्सपेक्टेड रोल बिहेवियर, यानी जो अप्रोप्रिएट रोल बिहेवियर आप उनसे चाहते हो, वो उसको अडेप्ट कर पाए ऑर्गेनाइजेशन में, यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको समझ आ जाए, ड्यूटीज पता चल जाए और अपने वो क्लीग से अच्छे से बात कर पाए। एडजस्टमेंट टू नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ वर्क, यानी इसका मेन फोकस है नए मैनेजर जो आ रहे हैं वेकेंट पोजिशन को फिल करने के लिए, उनको फैमिलराइज करो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ, क्या वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन में चल रही हैं, क्या रूल्स और नॉर्म्स सभी बंदों को फॉलो करने हैं, और हेल्प करो कि वो अपने आप को किसी ना किसी ग्रुप के साथ इंटेग्रेट कर लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का एक क्वेश्चन आया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक डिमांड्स द जनरेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स टू प्रॉब्लम। बड़ा सिंपल है ये तो, वैसे ना आपको आता ही है, देखो जब भी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे पता ही है उसके रिजल्ट में नई नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स जनरेट एज मैनी एज अल्टरनेटिव एज पॉसिबल विदाउट वैलेंटाइन इन ब्रेन स्टॉमिंग सेशन। जितने भी ब्रेन स्टॉमिंग सेशन में पार्टिसिपेंट्स होंगे वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइडियाज़ को जनरेट कर देंगे बिना सोचे समझे, ये ऑब्वियस बात है क्योंकि हर बंदे के दिमाग में कोई ना कोई चीज़ तो चलती रहती है। देखो, ब्रेन स्टॉमिंग एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें कुछ ग्रुप बना लोगे आप बंदों का, जो बहुत सारे आइडिया सॉल्यूशंस एक प्रॉब्लम के आपके सामने पेश करेंगे। हर बंदे का अपना दिमाग है, उसकी अपनी सोच है, हर बंदे का यूनिक आइडिया निकलेगा। ब्रेन स्टॉमिंग सेशन में जो पार्टिसिपेंट है उनको इनकरेज किया जाता है कि जितना हो सके जितने आइडियाज वो दे सकते हैं बिना क्रिटिसाइज के वो दें, मतलब जो आइडिया था दे देना, देन फेंक ही जाओ, बट किसी भी आइडिया पे क्रिटिसाइज नहीं करना जब जनरेशन हो गया, क्रिटिसाइज हम बाद में करेंगे। एम यही है, फ्री थिंकिंग लाओ, स्टिम्युलेट करो क्रिएटिविटी, अलाउ करो कि जितना बंदा जितना कुछ एक्सप्रेस कर सके बिना जजमेंट के वो एक्सप्रेस कर पाए। अब एक आया था कस्टमर रिलेशन लाइफ साइकिल का मीन्स स्टेजेस क्या है, इसका क्वेश्चन आया था, ये भी उन्होंने आपको स्टेजेस दी हुई थी, मतलब स्टेजेस इन देंस उन्होंने 7-8 पॉइंट दे दिए, वो कहते हैं इनमें से चूज करके बताओ कि क्या स्टेजेस है। कस्टमर को एक्वायर करो, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो, लाओ उनको किसी भी तरीके के वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, ये होती है कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर्स को डेवलप करो, एक उनके साथ अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाओ जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, ताकि वो आपसे ही दोबारा से प्रोडक्ट खरीदे, और ट्राई करो कि वो नए बंदे भी लेके आए और आपके साथ लॉयल रहे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंश्योर करो कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विस के साथ सेटिस्फाइड है, कोई शिकवा नहीं है उनको, उनको ये नहीं कुछ है, वो ये ना किसी को कहे भाई मैं पछता रहा हूँ इस कंपनी के साथ डील करके। जितनी उनकी प्रॉब्लम्स है एड्रेस करो, उनको एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करो। कस्टमर अनोयंस, ये कोई स्टेज नहीं है, ये ऑप्शन दी गई थी कंफ्यूज करने के लिए, पहली 3 स्टेजेस थी, ये जो ऑप्शन है ना ये कोई स्टेज नहीं है कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल की, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है कि कस्टमर का
रिलेशनशिप में कई बार मनमुटाव हो जाता है, सो इसको इग्नोर करना है आपने। मैंने ये चीज़ पता है यहाँ पे क्यों डाली, कि आपको पता चल जाए, फ्लो में मत चलो, चीज़ों को पढ़ो समझो फिर आंसर दो। अब आगे आते हैं जो आईटी है आपकी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या है एडवांसेस हुए। अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें, जो मेजर गेन था वो लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी आई थी, वो आई किसके कारण थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रही है उसके कारण। यानी आप जब एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हो, जैसे चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हो, डाटा एनालिटिक्स टूल कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो, रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हो, तो बहुत इंप्रूव किया है इसमें एफिशिएंसी, जो आपके लॉजिस्टिक ऑपरेशन बहुत ईजी हो गए हैं, बहुत इफेक्टिवली काम हो रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन लाइन सुनो। ऑल्टरिंग गोल्स टू मीट चेंजेस इन सर्कमस्टांसिस, अ प्रोएक्टिव अप्रोच दैट अलाउज फॉर एडजस्टमेंट्स टू गोल्स बेस्ड ऑन चेंजिंग सिचुएशन विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सक्सेस रेदर देन फेलियर ऑफ एन एमबीओ प्रोग्राम। देखो, अगर आप एक एमबीओ प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हो, मान लो ऑब्जेक्टिव्स तो आपने पहले ही सेट किए होंगे, टाइम आने पे आपको कोई उसका गोल चेंज करना पड़ गया। अब आपने बहुत रन्स एनालाइज किए, आपको टाइम पे ही पता चल गया ये गोल आपको रिजल्ट नहीं देगा, आप उसको चेंज कर सकते हो, आप अपनी सरकमस्टांस को मीट कर सकते हो। अब इससे आपका एमबीओ का प्रोग्राम फेल नहीं होगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। कुछ फैक्टर्स हैं उन्होंने पूछे थे जो एमबीओ प्रोग्राम के फेलियर में रिजल्ट करते हैं। इजी गोल्स, देखो गोल्स को हल्के में मत लो, बहुत इजी नहीं होने चाहिए, ऐसा ना लगे कि इसमें तो कोई चैलेंज ना, अगला कहे कि ये तो मैं चुटकी में कर दूँ, इसमें क्या है। ये चीज़ डीमोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को और वो अचीवमेंट से दूर हो जाते हैं। मैनेजमेंट की सपोर्ट ज़रूर चाहिए, ये ना हो कि मैनेजमेंट सपोर्ट ही ना दे। अगर आपकी मैनेजमेंट यानी फ्रॉम अच्छे से सफिशिएंट सपोर्ट नहीं दे पा रही, तो एमबीओ प्रोग्राम स्ट्रगल करेगा, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर देखो दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों चीज़ों को सेट करो, ये नहीं अगर आपने ज़्यादा इजी नहीं सेट करने हैं, तो ये भी ना हो कि आप उनको इतना ज़्यादा डिफिकल्ट सेट कर दो कोच को वो पता ही नहीं चले, वो अचीवेबल ही ना हो। गोल्स आपके एक्सेसिवली डिफिकल्ट और अनअटेबल नहीं होने चाहिए, इससे फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी और एम्प्लॉयज डिस्करेज हो जाए। मीडियम कॉम्पिटिटिवनेस भी हो, अचीवेबल भी हो, समवट चैलेंजिंग भी हो, बैलेंस बना के चलो। दो थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, वो आपको ना ये कहते, देखो अब यूजीसी का पेपर है, यू आर गोइंग टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर, एंट्रेंस है, ठीक है, इसमें बच्चों वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अब ये नहीं पूछेंगे वो फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप क्या था, इनफॉर्मल ग्रुप की कुछ थ्योरीज हैं वो बताओ। एक आती है प्रोपिनक्यूटी थ्योरी, एक है सिमिलैरिटी और बैलेंस थ्योरी। देखो जो प्रोपिनक्यूटी थ्योरी है, प्रोपिनक्यूटी का मतलब है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और क्लोजनेस अमंग इंडिविजुअल, बंदे फिजिकल एक दूसरे के साथ कितना अटैच्ड है, वो एक दूसरे के साथ कितना क्लोज है, ये सबसे अच्छी बड़ी चीज़ है जो इनफॉर्मल ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं, यानी आपके एक दूसरे के साथ प्यार कितना है। सिमिलैरिटी और बैलेंस थ्योरी, ये थ्योरी ये बताती है कि इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप्स बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे उन बंदों के साथ जो उनके जिनका सेम उनकी तरीके का एटीट्यूड होगा, उनकी वैल्यूज इंटरेस्ट करेक्टरिस्टिक्स मिलती होंगी। यानी आप अपने जो बंदा आपके लेवल का होगा, जिसके साथ आपकी वाइब मैच करेगी, ऑब्वियस गल है उसके साथ ही ग्रुप बनेगा। क्वालिटी सर्कल, देखो क्वालिटी सर्कल बड़ा सिंपल नेम है, ये नहीं टाइप की ना प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक टीम है। जो क्वालिटी सर्कल्स है ना, ये स्मॉल ग्रुप्स होते हैं एम्प्लॉयज़ को, जो एक वॉलेंटरली खुद आती है एक दूसरे के साथ, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए, एनालाइज कर पाए और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। कहने का मतलब खुद ब खुद आपने दूसरे बंदों के साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लक्ष्य बना लेना, कोई कहता नहीं है पर आप करते हो खुद, ठीक है, दैट इज क्वालिटी सर्कल। यानी आप प्रोसेसेस इंप्रूव करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, ताम जो सभी के लिए विन विन सिचुएशन हो। फोकस यही है, क्वालिटी को इंप्रूव करो, पार्टिसिपेट करो उन एक्टिविटीज़ में जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, डाटा एनालिसिस और इंप्लीमेंटिंग सोल्यूशन, ताकि प्रॉब्लम्स के आंसर्स मिल सके। आगे चलो, द मैचिंग ऑफ कैटेगरी ऑफ कॉम्पनसेशन विद कॉम्पनसेशन प्लान्स इन एज फॉलोस। मैचिंग का क्वेश्चन आया था, एक तरफ कॉम्पेंस कैटेगरी बता दी थी कॉम्पेंसेशन की, दूसरी तरफ कॉम्पेंसेशन प्लान, पे फॉर टाइम नॉट वर्क, ये सिक लीव के लिए, जितना काम करोगे जो टाइम लगाओगे उसके लिए पे लो, ठीक है। सर्विसेज थे परक्यूसाइड्स, स्टॉक ऑप्शन, प्रोटेक्शन प्रोग्राम, पेंशन रिटायरमेंट के बाद, इंसेंटिव लो कॉस्ट मील्स, डेफर्ड पे, सेविंग्स प्लान।
अब ये सारे कॉम्पेंसेशन प्लान्स हैं। देखो जब बंदा सिक लीव लेता है उसको पे मिलती है, पे काटी नहीं जाती, बेनिफिट है। स्टॉक ऑप्शन में कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के आपको शेयर्स मिल गए, ऑर्गेनाइजेशंस आपको पेंशन दे रही हैं और कहते हैं आपने हमारे पास 30-35 साल काम किया हम पेंशन देंगे आपको। अच्छा, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहेगा। लो कॉस्ट मील्स, वो कहते हैं हम आपको खाना प्रोवाइड करेंगे जस्ट बहुत कम पैसों में, ये भी इंसेंटिव है। सेविंग्स प्लान, आप अपना पीएफ कटवाओ, जितना आप पीएफ में डालोगे हम उतना ही आपको और देंगे, अगर आपने 10 डाला हम 10 और डाल के उसमें 20 आपको देंगे। ये सारे ठीक है कंपेंसेशन की, ये ना ये तो बेसिक था, क्वेश्चन था ये, अब मैंने करवा दिया। आगे बढ़ते हैं, दी टिपिकल सीक्वेंस इन विच द सेलेक्शन डिवाइसेज आर यूज्ड बाय द कंपनी। जो सिलेक्शन आप करते हो, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का क्वेश्चन है, उसमें जो सिलेक्शन डिवाइसेस कंपनी यूज़ करती हैं उसको सीक्वेंस में अरेंज करो। एप्लीकेशन, देखो सबसे पहले कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं जिसमें उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम क्या है, कहाँ से आते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस, क्या उनके पास एक्सपीरियंस, सब कुछ मेंशन होता है। फिर आती है स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़। देखो इनिशियल इंटरव्यूज़ की जाती है जो कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करती है, जो आपने प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया सेट कर लिया, जो उन चीज़ों को पूरा करेगा उनको आगे ही बुलाया जाता है। फिर टेस्ट किए जाते हैं, अलग अलग तरीके के टेस्ट किए जाएंगे जो कैंडिडेट्स की नॉलेज को, एप्टीट्यूड को, स्किल्स को टेस्ट करेंगे। उसके आगे इनको और इंटरव्यू होगी, फिर नेक्स्ट राउंड होगा इंटरव्यू में जिसमें कैंडिडेट्स को जज किया जाएगा कि क्या वो पोजीशन के लिए सूटेबल है या नहीं है। फिर रेफरेंस चेक्स किए जाएंगे, आप उनका जो बैकग्राउंड है उसको चेक करोगे, जो उसने रेफरेंस दी है कैंडिडेट ने उनसे वेरीफाई करोगे कि बंदा क्रेडेंशियल है, काम आने वाला है, ये तो नहीं है कि टाइम वेस्ट चीज़ है कोई काम ही ना करे। ऑफर्स दोगे, कंडीशनल होंगे, जो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दोगे वो कुछ ना कुछ ऑफर्स दोगे तो कुछ ना कुछ कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, असेसमेंट होगी, ताकि आप ये देखो कि भाई कैंडिडेट फिजिकली फिट है जॉब के लिए। लास्ट स्टेप होता है आप उसको हायर कर लोगे, यानी उसको जॉब मिल जाएगी। अब एक आता है हॉर्न इफेक्ट्स, ये टर्म बहुत बार आई है। देखो जो हॉर्न इफेक्ट है बेसिकली दैट इज द टेंडेंसी ऑफ अ सुपरवाइजर टू रेट अ सबॉर्डिनेट लोअर देन देयर परफॉर्म। यानी जब एक सुपरवाइजर अपने सबॉर्डिनेट को अगर उसने 80% की परफॉर्मेंस दिया वो जानबूझ के उसको 60 पे रेट करता है, दैट इज हॉर्न इफेक्ट। ये तब होता है जब नेगेटिव इंप्रेशन या बायस हो सुपरवाइजर का सबॉर्डिनेट को लेके, ये उसकी ओवरऑल इवेल्यूएशन को इम्पैक्ट करेगा, यानी उसको जानबूझ के अनड्यूली लो रेटिंग मिलेगी। ये चीज़ अफेक्ट करती है, ये ऑपोजिट है बेसिकली हेलो इफेक्ट का। यहाँ पे हेलो इफेक्ट में सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट को हायर रेट करता है और जो हॉर्न इफेक्ट है उसमें कम रेट करता है। ठीक है, इसमें ना कुछ ना एक लाइन सुनो ध्यान से, वेयर अ सुपरवाइजर रेट सबॉर्डिनेट हायर देन एक्चुअल पे बेस्ड ऑन पॉजिटिव इंप्रेशन। ये आपको हेलो इफेक्ट मैंने बता दिया। देखो जो सेल्स एग्जेक्टिव होते हैं ना, ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं कि ये आपकी ऑपरेटिंग फोर्स है, इन्होंने काम करना है। जो ब्रांच मैनेजर है ये मिडल मैनेजमेंट में आता है, फोरमैन लोअर मैनेजमेंट में आता है, प्रोडक्शन मैनेजर टॉप मिडल मैनेजमेंट में आता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो अब क्या एक्सप्लेन करना। बाउंड्री स्पैनिंग, बाउंड्री स्पैनिंग ये वो प्रोसेस है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज़ को कि वो लिंक कर करें लिंक कर सके अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज और फंक्शंस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री स्पैनिंग। देखो ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदे आएंगे अलग अलग कल्चर से होंगे, अलग अलग जो उनका बैकग्राउंड है उससे होंगे, वो फंक्शंस या एक्टिविटीज़ के थ्रू ट्राई करते हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाया पाए, दैट इज बाउंड्री स्पैनिंग। यानी बाउंड्री स्पैनिंग में वो एक्टिविटीज और फंक्शंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं कि वो इम्प्लॉयज हैं जो उसके वो कनेक्ट कर पाए और इंटरेक्ट कर पाए अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। यानी इसमें ट्राई किया जाता है कि जो गैप है ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्टेक होल्डर्स के बीच उसको रिड्यूस किया जा सके। लाइक अब ये कस्टमर सप्लायर और कम्युनिटी जो ये स्टेक होल्डर्स होंगे वो ये होंगे। ठीक है, व्रियो फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, VRIO, इसे यूज किया जाता है एज अ HR फंक्शन। पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझो, वी स्टैंड फॉर वैल्यू रेरिटी इमिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो व्रियो फ्रेमवर्क है इसे बारने ने प्रपोज किया था, इसे यूज किया जाता है HR फंक्शन में असेस करने के लिए जो आपके रिसोर्सेज हैं क्या वो कॉम्पिटेटिवली एडवांटेज हैं आपके लिए या नहीं। वैल्यू रेरिटी इमिटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन, व्रियो की फुल फॉर्म।
ये क्राइटेरिया हेल्प करता है एवेल्युएट करने के लिए कि जो एक रिसोर्स है वो वैल्यूएबल है, कोई वैल्यू मिलेगी आपको उससे, रेयर है, सभी के पास तो नहीं है, उसको कॉपी तो नहीं इजिली किया जा सकता, इमिटेटेबल तो नहीं है, और आप उसको इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हो ताकि आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। ठीक है, सो ये था ब्रियो फ्रेमवर्क। फोकस ऑफ पीएम, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय कंट्रोलिंग पीपल, मैचिंग का क्वेश्चन डाला था। पीएम का फोकस किस पे है? पीएम सिंपली पीएम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सीधा ही है बात, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही है। बंदों को कंट्रोल करो, ट्राई करो वो अच्छे से काम करे, प्रॉफिट मिल जाए। एचआरएम का फोकस, ऐसा एटीट्यूड डेवलप करो बाय मेकिंग पीपल कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट, यानी हर बंदा ट्राई करे कि उसने अपना बेस्ट ही देना है। फिलॉसफी क्या है पीएम की? एक्सरसाइज करो फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, जो फंक्शंस बने हैं मैनेजमेंट के, जो प्रिंसिपल्स, उनको यूज करो। एचआरएम की फिलॉसफी ह्यूमन मैनेजमेंट, बंदे भी आपके रिसोर्सेस हैं, उनको मैनेज करना आपका काम। देखो जो एचआर स्ट्रेटजीज होती है ना, वो स्ट्रेटेजिक एचआरएम से डिराइव की गई हैं। जो स्ट्रेटेजी एचआरएम है उसका मेन फोकस है मैक्रो कंसर्न्स पे, यानी जैसे लाइक आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपका कल्चर क्या है। ठीक है, ये चीज़ें बड़ी पूछी जाती हैं। देखो एंड्रोगॉजी क्या होता है, ये आर्ट और साइंस है कि आप किस तरीके से एडल्ट्स को ट्रेन करते हो। पैडागॉजी वो स्ट्रेटजीज और स्टाइल्स जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस देते हो। पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड पैडागॉजी आती है, बीएड की हुई है तो उसमें पैडागॉजी सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, टर्मिनल बिहेवियर, अल्टीमेट नॉलेज लेवल, जो ट्रेनी लीव करेगा ट्रेनिंग सेशन दे। देखो जितनी आपने ट्रेनिंग ट्रेनी को प्रोवाइड की, जब वो ट्रेनिंग से बाहर जाएगा लास्ट ईयर में, क्या उसका नॉलेज लेवल है, दैट इज टर्मिनल बिहेवियर। ट्रेनिंग इम्पेडिमेंट्स, लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स इन ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग नाम की तो नहीं ट्रेनिंग है ना, कुछ निकल रहा है ना उसमें से, मैनेजमेंट कमिटेड है, वो लैक तो नहीं कर रही इंटरेस्ट, दैट इज ट्रेनिंग इम्पेडिमेंट्स। एक लाइन सुनो, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड स्किल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेड अ सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस बात है, बिल्कुल ठीक थी, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है, उसको ना एक सब्जेक्ट बना रहे इन्वेस्टिगेशन, वो जरूरी है, उसको स्टडी करो। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी स्टेटेड दैट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रिक्वायर अ ब्रॉडर वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड हायर एवरेज स्किल्स फ्रॉम वर्क। ऑब्वियसली भी बिल्कुल बात ठीक है। इकोनॉमिक जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी थी वो यही कह रही थी कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को एक ब्रॉडर वैरायटी ऑफ स्किल्स चाहिए। डीबीएमएस, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो बड़ा सिंपल है, ये आपको आते होगा, चलो एक बार कर लेते हैं। जो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये वो सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो अलाउ करता है मैनेजमेंट को कि वो डाटा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस सिस्टम के यूज़ के, यानी डाटा के मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों मैनेजमेंट कर सकती है डीबीएमएस के यूज़ से। इससे एक तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मिल जाता है, एक ही जगह पे डाटा है पर एक्सेसिबल हर जगह पे है, उसको शेयर कर सकते हो, इंटेग्रिटी बनी रहती है, चोरी चकारी का डर कम है डीबीएमएस में। जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन में अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं जॉब के रिक्वायरमेंट को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर, जैसे स्किल्स क्या रहने चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, एजुकेशन कितनी चाहिए, फिजिकल एबिलिटी और पर्सनल एट्रीब्यूट्स कितना चाहिए। एक अगेन मैचिंग का क्वेश्चन था, जॉब कॉन्टेक्स्ट इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू वर्क स्केड्यूल, जो आपका वर्क स्केड्यूल होगा वही आपका जॉब कॉन्टेक्स्ट होगा। जॉब रिलेटेड टेंजिबल्स और इंटेंजिबल्स क्या है, यानी वो अगर आप पूछ लें कि जॉब के अगर टेंजिबल्स और इंटेंजिबल्स बताओ, तो ये होते हैं जो आप सर्विसेज दे रहे हो उस जॉब पे। वर्क एक्टिविटीज, जो प्रोसीजर्स आप यूज़ कर रहे हो जॉब पे, वर्क की परफॉर्मेंस या आपके वर्क स्टैंडर्ड्स होंगे। नेक्स्ट एक और मैचिंग का क्वेश्चन था, बिहेवियर रेफरेंस, ये वैल्यू और मिशन के साथ मैच खाता है। इंटरवेंशन की ज़रूरत है उस पर फोकस, ये वाइड रेंजिंग कल्चरल स्ट्रक्चर और पर्सनल स्ट्रैटेजी, उसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से हैंडल करना, क्लाइमेट मैनेज करो, कल्चर मैनेज करो, जॉब कैटेगरीज और रेट्स, ये बड़े कम होते हैं। ठीक है, देखो लाइन सुनो, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज डू नॉट डाई एवरी डे इन फैक्ट्री ड्यू टू एक्सीडेंट्स, एंड मेकिंग एन एक्सीडेंट फ्री प्लांट डस नॉट नेसेसरी एड टू कॉस्ट एंड डिसीज प्रोडक्टिविटी। देखो जो डेली एम्प्लॉय मरता है वो केवल फैक्ट्री के वजह से नहीं मरता, उसमें एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरता, और भी कारण हो सकते हैं। और अगर आपने प्रोटेक्शन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना है, एक्सीडेंट फ्री प्लांट बनाना है, तो उसमें भी कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता, आपको बनाना चाहिए, दोनों के पर्सपेक्टिव हो गए।
कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जिनको कॉमनली यूज़ किया जाता है कि अगर आपकी इम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज होगी ऑर्गेनाइजेशन में उसको मैनेज करने के लिए, इंसेंटिव्स हो, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद भी चीज़ें उनको दे दो, उनको पेंशन लगा दो, ट्राई करो टर्नओवर कम हो जाए, नहीं तो इसकी कॉस्ट बहुत पड़ जाएगी आपको। अगर नई परमानेंट इम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं तो फॉर द टाइम बीइंग टेम्प्रेरी हायर कर दो, बाद में उनको परमानेंट कर देना। Employee training is not a strategy for managing short of employees and all that. Training का इससे कोई लेना देना नहीं है। बंदा आपने हायर करना है, अभी ट्रेनिंग का बीच में क्या लेना देना है, कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछा गया है। पंचुअलिटी और टीम स्पिरिट इम्प्लॉयज के बीच में ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है कि वो प्रॉफिट्स बढ़ाएंगे। जितने इम्प्लॉयज पंचुअल होंगे, जितना टीम स्पिरिट अच्छा होगा इम्प्लॉयज में, उतने ही ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। बट इनको एसेट्स नहीं माना गया बैलेंस शीट में, मानना चाहिए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आपको स्नैपशॉट देते हैं फाइनेंशियल पोजीशन का, बिजनेस का, बट ये रिफ्लेक्ट नहीं करती कि फाइनेंशियल रियलिटी असलियत में क्या है। ठीक है, सो ये तो बड़ा ईजी था। सो यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 6 हो गई है कम्प्लीट। करते हैं आज का सेशन वाइंड अप।